राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय से स्वच्छ भारत मिशन के तहत 58 डोर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत कई विधायक और पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा भी उपस्थित रहे। इसी क्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि देहरादून नगर निगम द्वारा स्वच्छता को लेकर बेहतर कार्य किया जा रहा है, साथ ही जिस तरह से 58 डोर टू डोर वाहन रवाना किए गए हैं उससे स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, देहरादून नगर निगम स्वच्छता की दृष्टि से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी हमें आवश्यकता है कुछ और वाहनों की। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 58 डोर टू डोर वाहन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको रवाना किया गया। हमारा प्रयास है कि जिस प्रकार से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम अपने हर क्षेत्र को जहाँ हम रहते हैं उसको स्वच्छ रखें, साफ रखें, उसी दिशा में आज लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है, स्वच्छता भी है। और फिर हमारा शहरी विकास विभाग निश्चित रूप से कोशिश करता है कि हर जगह हम इस प्रकार के एक नवाचार भी करें और साफ़ सुथरा भी करें। पिछली बार जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमें पहली बार उत्तराखंड को 7 स्वच्छता में पुरस्कार मिले थे, इस बार भी हम कोशिश करें कुछ अच्छा हम लोग करें। तो आज जिस प्रकार से 58 डोर टू डोर वाहन रवाना किए गए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इससे बहुत बड़ा लाभ स्वच्छता की दृष्टि से मिलेगा।